नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज पूरा भारत बंद है और बिहार में राजद के तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया था, असर दिखने लगा है। हम आपको डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, सुबह के 10 बजे की तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं, एक तरफ जाप कार्यकर्ता भारत बंद करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता बिहार बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें देखिए किस तरीके से आज भारत बंद है, बिहार बंद है, अलग अलग मुद्दों को लेकर। देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ किसान मामले को लेकर, किसान बिल को लेकर भारत बंद का आह्वान बीते दिनों किसान संगठनों ने किया था, वहीं दो दिन पहले जो कुछ सदन में हुआ उससे नाराज राजद ने बिहार बंद का आह्वान किया। तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज उनकी पूरी सेना पटना की सड़कों पर उतर चुकी है, पूरा बिहार जो है उसे बंद करने के लिए। हम तस्वीर दिखा दें आपको, देख सकते हैं राजद के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ पे आजाद गांधी है, हम उनसे बात कुछ करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। एक बार फिर से बिहार बंद कब तक? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार का जो हिटलर शाही चल रहा है बिहार में, लगता है लोकतंत्र चीज को इन्होंने खत्म कर दिया है, राजतंत्र के रूप में पैदा करना चाहते हैं। एक गुंडा का पैदा किया इन्होंने पुलिस कानून को ला कर करके कि अपने गुंडों के सहारे जो आंदोलन करेगा, जो मेरे खिलाफ जो आंदोलन करेगा उसको हम बिना वारंट का, बिना न्यायालय के आदेश का हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, गोली मार देंगे, शूट कर देंगे। ऐसा कानून देश और दुनिया में, खिलाफ FIR भी हो गया है जान से मारने के प्रयास का, ऐसा FIR से हम लोग डरने वाले नहीं है। जनता के लिए अगर मरने की भी बात होगी बिहार के जनहित के लिए, तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार। कहते हैं कि होली के अवसर पर बंद करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, अभी बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। देखिए, अपने मन से पूरे बिहार के लोगों ने बंद का समर्थन किया है। लोग चाह रहे हैं कि यह जुल्मी सरकार है, इसका विरोध होना चाहिए, और जिसके साथ जनता है वही आंदोलन है। कब तक यह आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, जो सरकार गुंगी बहरी सरकार है, ये बिल्कुल लक्ष्मी रेखा जो होता है विधानसभा का, उसको पार चुका है। इसलिए बिहार की जनता कभी इसको माफ नहीं कर, जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, और नहीं तो नीतीश कुमार माफी मांगे और इस कानून को वापस ले, तभी आंदोलन खत्म होगा। तो जैसा कि आजाद गांधी साहब ने आपको बताया, एक एक पंचायत से लेके एक एक पूरे बिहार का चक्का एकदम जाम कर दिया जाएगा, और पूरा समर्थन हम लोग के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इसलिए कि बैवानी की सरकार है। जनता ने हमको मतलब के वोट दिया था, हमको सरकार बनाने का वोट दिया था, राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दिया था, और ये बैवानी की सरकार है, अनुकंपा की सरकार है, किसी दिन भी हम लोग उसको उखाड़ कर। तो सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात कही जा रही है। तस्वीर हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं अलग अलग तरह की तस्वीरें किस तरीके से टमटम लेके आए हैं बिहार बंद को सफल करने के लिए, सड़क पर उतरे किस तरीके से तमाम जो नेता है। अभी एक अलग तरह की तस्वीर, गुब्बारों से, हरे गुब्बारों से, लाल और झंडों लेके बिहार बंद कराने की अलग तस्वीर अक्सर आप लेकर आते रहते हैं, इस बार क्या कुछ करेंगे? मैं अक्सर इसलिए लेके आता हूँ कि मैं घोड़े से बार बार आता हूँ, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी केंद्र में, मैं घोड़ा से ही आऊंगा, क्योंकि आज घोड़े को चारा मिल रहा है, कल घोड़ा को चारा भी नहीं मिलेगा, और कल मैं रोड पे आ जाऊंगा, चप्पल घिस जाएगा लोगों को जो ये हाल कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी गरीबों के साथ। हमारा देश का आर्थिक स्थिति ये गिर चुका है, अंबानी अडानी का बढ़ता है और हम लोग रोड पे आते हैं। आज आप पटना के धरती पे रहते होंगे, आज होली पर्व है, आप बताइए तो कि गरीबों को कभी देख रहे हैं गरीबों के हाथों में कि कपड़ा का कैरी बैग हो, अनाज का कैरी बैग हो? अरे पैसा ही नहीं है तो गरीब खाएगा क्या और परम बनाएगा क्या? अच्छा, ये होली के अवसर पर बिहार बंद हुआ, इससे लोगों को परेशानी होगी, तो फिर एक तरफ आप कहते हैं गरीबों की बात करते हैं, दूसरी तरफ गरीब जो दुकानदारी कर रहे हैं उसका क्या होगा? आप लोग होली के मुद्दा उठा के भी हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, हम ये कभी नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन किए हैं कि आज कहते हैं कि लॉकडाउन होगा, मुंबई लॉकडाउन होगा, इंडिया लॉकडाउन होगा, कहीं कहीं और बंगाल में, असम में और सब राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है? कोरोना बोल के आता है क्या? ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, कब तक आप लोग ये करते रहेंगे, कभी बिहार बंद, कभी विधानसभा गिराओ, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? जो हमारे पार्टी के माननीयों के साथ विधानसभा में हुआ है ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सत्ता किसी बाप की जागीर नहीं है, आज आपके हाथ में है तो कल मेरे हाथ में आएगा। पलटू चाचा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सत्ता आपके हाथों में मिल गई है तो आप उसका दुरुपयोग ना कीजिए।
तो देख सकते हैं टमटम पर सवार होकर आए हैं राजद के तमाम कार्यकर्ता, बिहार बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। एक तरफ जाप के कार्यकर्ता हैं, वो भी भारत बंद जो किसान संगठन के तरफ से किया गया है उसका समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजद के तमाम कार्यकर्ता। अब पुलिस बल के तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको तस्वीर दिखा दे, देख सकते हैं किस तरीके से जो दंगा नियंत्रण गाड़ी है उसको भी यहाँ पर रखा गया है, ताकि जो राइड कंट्रोल व्हीकल है उसको रखा गया ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े। स्थिति बिगड़ेगी तो परेशानी होगी। दो दिन पहले ही इसी डाक बंगला चौराहे पे जो कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी वह बेहद अलग तरह की तस्वीरें थी। रोड़ेबाजी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद डंडा चलाया गया था, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था। और एक बार फिर से आज एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स के लिए बेटर हेडलाइंस बिहार के साथ कैमरा पर्सन अंशु के साथ मैं प्रियांक सौरभ, हेडलाइंस बिहार पटना।